सो ही नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सब दोस्तों को टेक्निकल सारी गल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है रियल एक्ट 22 गेम के न्यू अपडेट के बारे में, इसकी रिलीज डेट के बारे में अपडेट आखिरकार कन्फर्म आप सब लोग जो है कब तक देखने मिलने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ में काफ़ी सारे फीचर्स भी जो है कंपनी राइवल कर चुकी है, एंड आपका भाई काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी बता भी चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आपका भाई जो है फिर से कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताएगा जो कि अपडेट के अंदर आपको डेफिनेटली मिलने वाले, जो खुद ऑफिशियली कंपनी की तरफ से कन्फर्म हो चुके हैं, कुछ ऑफिशियली न्यूज निकल कर आ चुकी हैं। और साथ में रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा, अपडेट आकर आपको कन्फर्म जो है कब तक मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है आप सभी आरसी लवर्स के लिए, जो लोग यार अपडेट का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं अपडेट आखिरकार कब तक आएगा, तो आपका भाई जो है वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएगा। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की समझिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बोल दिया था, जो मैंने कुछ दिनों पहले डाला था, उसमें कि आपको कंपनी जो है एवरीडे कुछ ना कुछ राइवल करने वाली। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अभी तक चलता आ रहा है, न्यू शॉर्ट्स आता है वीक ऑफ द शॉर्ट्स, उसके अंदर भी हमें कुछ न्यू मिलता है। तो दोस्तों हम कुछ बात कर लेते, अभी जो है मतलब कि जो आकाश चोपड़ा सर ने भी काफ़ी सारी क्लिप यूज़ की रियल एक्ट 22 की, तो उस क्लिप में से एक जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे जो कि यहाँ पर सर ने यूज़ की थी, और उसके अंदर भी हमें कुछ फीचर्स दिखाया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हमें न्यू मतलब कि जो न्यू स्टेडियम बताएगा जो कि पुणे का। वैसे तो काफ़ी सारे स्टेडियम आने ही वाले हैं, पर ये एक और स्टेडियम कन्फर्म है ऑस्ट्रेलिया के आएंगे, और साथ में इंडिया के भी काफ़ी सारे स्टेडियम जो है हम सब लोगों को देखने के मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो फीचर्स एक और है वो है न्यू बॉलिंग एक्शन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे बॉलिंग एक्शन आने वाले हैं, पर दोस्तों जो सबसे पसंदीदा बॉलिंग एक्शन मुझे भी लगा काफ़ी बढ़िया, जो कि कल के दिन शॉर्ट ऑफ द वीक आया था, उसके अंदर हम लोग को देखने मिला है। जी हाँ दोस्तों, वो है रवि बिश्नोई का, यहाँ पर आप लोग सब देख पा रहे, क्योंकि भाई यार देखने में काफ़ी रियल, काफ़ी बहुत ही तगड़ा यार, मुझे बहुत ही मस्त लगा इस बॉलिंग एक्शन के लिए। काफ़ी सारे लोग वेट भी कर रहे थे, मोस्ट डिमांडेड था, तो फाइनली ये मिल चुका है। और इसके साथ में वैसे भी बहुत सारे आने वाले, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं भुवनेश्वर कुमार का है, और भी काफ़ी सारे दीपक चेर और भी लेजर्स के भी आने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ में आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों, जो कंपनी शॉर्ट्स और जो मतलब आकाश सर यूज़ करने के लिए उनके अंदर हमें कुछ जो है न्यू कैमरा एंगल्स भी दिखाए गए हैं। जी दोस्तों, कुछ हमें जो है क्लोज कैमरा एंगल भी मिलने वाला है, जो अभी दूर से दिखता है पता बहुत नहीं, मतलब एक दो तीन चार ऐसे कुछ कैमरा एंगल्स भी ऐड होंगे, जिससे कि हम जो क्लोज से मतलब क्लोज कैमरा एंगल जैसे क्लोज से हम जो है देख पाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात। और दोस्तों एक और जो फीचर्स है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है एंड आप लोग को भी बहुत पसंद है, वो है न्यू शॉर्ट्स। जी दोस्तों, अब तक आपने जितने भी जो आकाश सर क्लिप यूज़ करते हैं उनके अंदर शॉर्ट्स देखे होंगे, कितने कड़क शॉर्ट्स और भाई कितने रियल शॉट, यानी कि टोटली रियल शॉट्स देखने मिलते हैं। तो भाई आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले जो शॉट्स आएंगे वो भाई कितने रियल होंगे, टोटली रियल मिलने वाले हैं। अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कि आपने वो क्लिप में देखा होगा सूर्य कुमार ने एक शॉट्स मारा था जो कि उनका फेवरेट है, पीछे की तरफ करके मारते हैं, वो टोटली रियल शॉट हमें रियल 22 गेम के अंदर भी देखने मिला। तो बहुत मतलब कि जो शॉट्स हैं यार वो तो अनबिलीवेबल है, टोटली रियल शॉट्स, रियल बॉलिंग एक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और साथ में एक और फीचर है जो कि न्यू सेलिब्रेशन। जी दोस्तों, आप मतलब कि इस न्यू अपडेट के अंदर हमें न्यू सेलिब्रेशन भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है हम लोगों को मिलने वाले, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि ये भाई फर्स्ट मेगा अपडेट होगा, तो अपडेट काफ़ी बड़ा आएगा, अपडेट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। और दिन पर दिन कंपनी मतलब कुछ ना कुछ राइवल कर ही रही है, तो अपडेट जो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बड़ा है। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट फर्स्ट ऑफ द अपडेट यार अभी तक क्यों नहीं आया, तो भाई सीधी सी बात यह है दोस्तों, अपडेट अभी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अपडेट के ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर आप वीडियो को अच्छे से मतलब जो शॉर्ट ऑफ सब वीक आते हैं उनके अंदर अगर आप वीडियो को अच्छे देखो, तो मतलब कि जो वीडियो सही से नहीं बन पता ऐसा कुछ है, तो मेरे हिसाब से अपडेट अभी पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही वर्क रह गया है, उसके बाद जैसे वर्क कम्प्लीट होगा तो अपडेट मिल जाएगा। एंड जो रिलीज डेट है, आखिरकार अपडेट आपको मिल कब तक सकता है, तो दोस्तों वर्ल्ड कप स्पेशल अपडेट है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वर्ल्ड कप के टाइम पर ही अपडेट मिलेगा। हालाँकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 तारीख, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, आई थिंक 15 या 16 तारीख से आई थिंक वर्ल्ड कप स्टार्ट है, तो आपको 15 अक्टूबर से पहले अपडेट देखने मिल जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत अगर होता है एक वीक हो सकता है डिले में भी, तो आपको जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, या फिर आप लोग कह सकते हो 20 अक्टूबर से पहले भी जो है ये जो अपडेट है कन्फर्म आपको प्ले स्टोर पर डेफिनेटली गाइस देखने मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग इस गेम को खेल रहे होंगे, काफ़ी बड़ी बात है, तो बस आप थोड़ा और वेट कीजिए, अपडेट भी आपको काफ़ी जल्दी अक्टूबर के मंथ में मिल, या फिर 20 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, यही कुछ काफ़ी
सैड न्यूज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए बाबा गुरबा जहन बंदे मात।